बीती रात जो है सो बरियारपुर में एक घर की छापेमारी की गई है, जहां से कि कुछ अपराधकर्मी पकड़े गए। उनसे पूछताछ सत्यापन के क्रम में जो है हम लोगों को कई महत्वपूर्ण कांडों का उद्भेदन करने में सफलता मिला है। इनके पास से 4 पिस्टल, 20 राउंड गोली, मोबाइल ये आदि अन्य बहुत सारी चीजें बरामद की गई हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में कपड़ा बदल बदल कर अपनी गर्लफ्रेंड के इशारे पर अपराधी घटना को अंजाम देने वाले सातिर को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उसके 3 अन्य गुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले मुन्ना कुमार सिंह की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर घटना को अंजाम देता था और उसकी गर्लफ्रेंड लाइनर की भूमिका में काम करती थी। बता दें कि उसके द्वारा शहर में कई लूटपाट की घटना के अलावा चैन स्नैचिंग और CSP संचालक से भी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संदर्भ में सीतामढ़ी के SP मनोज कुमार तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वह सुनिए। विगत कुछ दिनों से इधर चेन स्नैचिंग एवं लूटपाट की कुछ घटनाएं हुई थी और कुछ पता नहीं चल पाया था। इसी क्रम में एक SIT SDPO सदर के नेतृत्व में गठन किया गया था और टीम लगातार इस पे काम कर रही थी। इसी क्रम में बीते रात जो है सो बरियारपुर में एक घर की छापेमारी की गई है, जहां से कि कुछ अपराधकर्मी पकड़े गए। उनसे पूछताछ सत्यापन के क्रम में जो है हम लोगों को कई महत्वपूर्ण कांडों का उद्भेदन करने में सफलता मिला है। इनके पास से 4 पिस्टल, 20 राउंड गोली, मोबाइल ये आदि अन्य बहुत सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। इसी क्रम में जब सत्यापन किया गया तो पिछले कुछ दिनों में जो स्नैचिंग एवं लूटपाट की घटना हुई थी उसके वीडियो फुटेज हम लोग के पास थे, उस वीडियो फुटेज से भी मिलान कराया गया। तो बरामद सामानों में जो मास्क उस घटना में यूज़ किया गया, हर घटना में डिफरेंट डिफरेंट मास्क यूज़ किया गया, कैप यूज़ किया गया और जो ड्रेस यूज़ किया गया, हेलमेट यूज़ किया गया, वो सारा कुछ हम लोग रिकवर किए इनके घर से, उस घर से मिला। और ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इसमें करीब हम लोग को 15 कांडों के उद्भेदन में सफलता मिली है। इसमें एक जो मुख्य अभियुक्त थे मुन्ना कुमार, ये मुजफ्फरपुर कटरा के रहने वाले हैं। कटरा में वहाँ पे जो है सो 6 आर्म्स एक्ट लूट आदि के कांडों में ये अभियुक्त भी रहे हैं और भी इनका सत्यापन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो ये किराए के मकान में रह रहे थे तो फर्जी नाम से 2 आधार कार्ड अभी हम लोग को मिला, जिसके नाम से ये रह रहे थे, नाम बदल करके अपना यहाँ रहते थे। इनके गिरोह में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की गई है, सभी पे कार्रवाई की जाएगी। ये एक बहुत अच्छा पुलिस का एक प्रयास रहा, अचीवमेंट है। इसमें SDPO सदर के नेतृत्व में सभी पुलिस पदाधिकारी जो भी सम्मिलित हैं सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। सर, जिसमें कांड हुआ है वो लोग पकड़े गए, उन लोग पुलिसकर्मियों को सम्मानित करना चाहिए सर। बताया है ना कि सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस संबंध में सीतामढ़ी के SP मनोज कुमार तिवारी क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना। बता दें कि सदर DSP सुबोध कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसने यह बड़ी उपलब्धि को हासिल किया गया है। बता दें कि पुलिस के लिए यह एक क्राइम अबूज पहेली बन गई थी और पुलिस लगातार छापेमारी चला रही थी, लेकिन इसमें सफलता हाथ नहीं लग रही थी। बता दें कि पुलिस के द्वारा इस घटना में जो लोग अपराधी हैं उनके कपड़े बरामद किए गए हैं। उनके द्वारा 15 घटनाओं में 15 कपड़े का इस्तेमाल किया गया था, वह कपड़े को भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही जो जूते इस्तेमाल किए गए थे उसकी बरामदगी की गई है, उसके अलावा टोपी की बरामदगी की गई है, साथ ही 4 पिस्टल के अलावा बड़ी मात्रा में कारतूस की भी बरामदगी की गई है। साथ ही SP मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि इसमें जो भी पुलिसकर्मी शामिल रहे हैं सदर DSP सुबोध कुमार के नेतृत्व में, उन्हें सभी को सम्मानित भी किया जाएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।